नमस्कार, न्यूज़ उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष ग्रोवर। जैसे कोविड-19 के चलते हुए काफ़ी लोग अवेयर भी हो रहे हैं, कहीं लोग सोशल डिस्टेंस का प्रयोग भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो तो ना तो मास्क लगा रहे हैं, और बात करें तो सबसे बड़ी कि लोग अफवाहें ज़्यादा उड़ा रहे हैं। जैसे कि बात करें डॉक्टर अरुण को लेकर और डॉक्टर एस के गोयल को लेकर जो बात सामने आ रही है, लोगों का साफ तौर से ये कहना है कि कोविड-19 के चलते हुए इनके साथ कुछ हो गया है। लेकिन आइए बात करते हैं डॉक्टर साहब से, क्या कहना चाहेंगे। नमस्कार डॉक्टर साहब। मैं पिछले 58 साल से रुड़की में प्रैक्टिस कर रहा हूं, और मैंने अपना काम 63 में यहाँ स्टार्ट किया था, तब से मैं काम कर रहा हूं। मुझे कोई कष्ट नहीं है, मुझे कुछ हुआ नहीं, मैं स्वस्थ हूं। रोज़ घूमता हूँ, पीठ जम लगाता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, स्वस्थ रहता हूँ, साधारण खाना खाता हूँ। मैं और मेरी पत्नी यहाँ हम दोनों रहते हैं, और मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ, मुझे कुछ ना हुआ। सर, कुछ अफवाह थी कि आप के बारे में कि डॉक्टर साहब एक्सपायर हो गए हैं, तो क्या नहीं कर... उनको पता होगा ज़्यादा उनका मेरे बारे में, मुझे तो नहीं पता, जितना पता है मैं बता सकता हूँ। क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं, मुझे तो कुछ समस्या हुई नहीं, मैं क्या बताऊँ, मुझे तो कोई ऐसी हुआ नहीं। मतलब जैसे डॉक्टरों के खिलाफ मैंने आज भी काम किया है, सुबह 8:30 से 1 बजे तक काम किया है, वेडनेसडे शाम में बंद रखता हूँ, इसलिए आज छुट्टी पे हूँ, कल फिर सुबह काम करूँगा। पूरे 8-9 घंटे में काम करता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं स्वस्थ हूँ, हेल्दी हूँ। सर, कोविड-19 के चलते हुए लोग काफ़ी अवेयर हो रहे हैं, और क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की अवेयरनेस करनी चाहिए कोविड को लेकर? आजकल बच्चों में देखा जा रहा है, कुछ लोग बच्चे मास्क नहीं लगा रहे, बड़ा मास्क का प्रयोग कर रहे हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो बहुत सख्ती से पालन कराता हूँ लोगों से कि डबल मास्क लगाओ भाई, हम लोग खतरे में हैं, हमारा ख्याल करो, अपना भी ख्याल करो। लेकिन लोग जो खास इलिटरेट लोग हैं वो, या अनपढ़ लोग हैं, वो इस बात की वैल्यू समझते नहीं हैं। रुमाल टाक के आ जाते हैं, वो हट जाता है बात करते करते, तो मैं उनको बाहर निकाल देता हूँ। मेरा दिखाना है तो प्रॉपर ढंग से दिखाओ, ना मत दिखाओ, मैं काम कम कर लूँगा, लेकिन मैं ठीक काम करूँगा। आप भी स्वस्थ रहें और वो स्वस्थ रखें। बच्चों को मास्क पहनना कितना ज़रूरी है? बच्चों को 2 साल से ऊपर मैं चाहता हूँ मास्क लगाएं बच्चे, और लगाते भी हैं कुछ लोग, नहीं भी लगाते हैं बहुत, काफ़ी ज़्यादा। कोविड के चलते हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे आप? भाई, कोविड बहुत खतरनाक मामला है, इंजेक्शन ही एक ऐसा रूप है जो इनको कंट्रोल करेगा। इंजेक्शन लगने के बाद देखा गया है, आप कोरोना पीड़ित हो भी गए अगर, तो आपको अस्पताल शहर न जाना पड़े, घर पे काम बन जाए। अगर आप इंजेक्शन नहीं लगवाए हैं तो रिस्क ज़्यादा है आपको। मुझे 2 लग चुके हैं, मुझे कोई समस्या नहीं है, और मैं औरों को भी राय दूंगा इंजेक्शन लगा दें। तो आपने ये सुना, हमारे साथ थे एस के गोयल जी, जिनका साफ तौर से कहना है कि इंजेक्शन लगवाना बहुत ज़रूरी है। जैसे इनकी जो सुना जा रहा था कि इनकी अफवाहें उड़ाई जा रही थी कोविड के चलते इनका निधन हो गया, तो आपने जो हमारे साथ सुना, ये एस के गोयल खुद थे जिन्होंने आज जनता को अवेयर किया है और लोगों को अवेयर किया है और बच्चों को कहा है कि मास्क ज़रूर पहनाएं। मेरे सहयोगी पुनीत के साथ मैं मनीष ग्रोवर, न्यूज़ उत्तराखंड समाचार, रुड़की।